सर्वे वेदा यद पदम मनन्ति पपंसि सर्वनीच यदुदन्ति यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणो ब्रब्रवीम्यो इति यत। आज एक अहम विषय को लेकर के मैं जनता जनार्दनों के बीच अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं। ये जो इंटरनेट और फेसबुक के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म के साथ निरंतर मेरी बहस मुबाहिसा चलती रही है लेखनी के माध्यम से, क्योंकि मैं उन लोगों को खुली चुनौती देने के बावजूद भी आज तक मेरे सामने ये लोग नहीं आ पाए। और इनमें से एक दो जो लोग आए हैं उनकी हालात तो आप लोगों ने देख ली होगी YouTube के माध्यम से। तो मुशफिक सुल्तान ने जो मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया था 54 पेजेस में, और उसको मैं उत्तर का प्रत्युत्तर दिया हूं 124 पेज में। तो जिसमें मुशफिक सुल्तान की मान्यता है, जो ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश में असंख्य जीवों को सृष्टि के आदि में ये कैसे बता दिए कि असंख्य जीव का उत्पन्न होना ये कैसा संभव हुआ। यद्यपि मैं लेखनी के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं और एक दो रिकॉर्डिंग में भी है, फिर भी विशेष करके इसी के ऊपर ही मैं अपना वक्तव्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब इस्लाम वालों की जो मान्यता है उसी मान्यता को ही अगर देखेंगे तो यह जवाब वहां पर भी है। कैसा? कि इस्लाम वालों की मान्यता है कि अल्लाह ताला ने एक आदम से और उनके जोड़ी हव्वा से ही सृष्टि को बनाई, यानी एक पति पत्नी के माध्यम से सृष्टि की रचना की। पर एक भेद मैं आप लोगों को आज और ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने जब आदम को बनाया, मिट्टी फरिश्तों से मंगवाया, मंगवाने के बाद आदम को बनाया, और आदम को बना करके अल्लाह ने स्वयं आदम के अंदर में रूह डाली, या अय्युह रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये शब्द आया हदीस में कि ऐ रूह तू दाखिल हो जा इस आदम के शरीर में। तो मैं समग्र इस्लाम जगत से ये पूछना चाहता हूँ और मुशफिक सुल्तान से भी ये पूछा, जबकि अभी ये दिल्ली के बुक फेयर में मुशफिक सुल्तान खुद आया भी था, उसमें फेसबुक में निरंतर बताए जा रहे थे, वहां मेरी पुस्तक भी लगी थी आर्य समाज के प्रतिनिधि सभा के स्टॉल में, तो सब लोग देख रहे थे, जान रहे थे। तो मुशफिक सुल्तान का ये जो कहना है कि अनेक बनना कैसा संभव है, तो एक आदम को बनाना कैसा संभव हुआ अल्लाह के लिए। तो जब अल्लाह के लिए एक आदम को बनाना संभव हुआ तो परमात्मा के लिए असंख्य बनाना संभव क्यों नहीं होगा, ये तो अपने आप में ही सवाल के घेरे में आ जाएंगे। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, और वो बताने ये चाहता हूं कि अल्लाह ने आदम को तैयार करते हुए उसके अंदर में रूह डाली, तो आदम पत्नी जो हवा को अल्लाह ने बनाया तो उसको बिना रूह डाले उसको कैसा महिला के रूप में उसको कैसे प्रस्तुत किया, अभी तो अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाएंगे, आए हुए हैं। जब आदम को बना करके अल्लाह को रूह डालनी पड़ी तो हवा को बनाए, हवा को बनाने के बाद उसके अंदर में बिना रूह के हवा को तैयार कैसे कर दिया है,
क्या औरतों में रूह नहीं होती? पर हाँ, औरतों में रूह नहीं होती ये मान्यता तो कभी बाइबल की नहीं है, तो इस्लाम वालों की ये मान्यता नहीं। तो बिना रूह डाले अल्लाह ने उस औरत को कैसे बना दिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि एक आदमी के एक स्त्री और पुरुष के माध्यम से अगर पूरी कायनात को बनाने की बात की जाए तो उसमें गलतियां कहां कहां होनी है वो देखें। वहां गलतियां ये होनी है कि, और होनी क्या है वो हुआ है, और कुरान भी मान रहा है इसको, बाइबल भी मान रहा है इसको, कि आदम पत्नी जोड़ों जोड़ों के साथ वो संतान जन्मी। यद्यपि हमारे पौराणिक हिंदुओं के पास भी इस तरीके की ऐसी बातें हैं जो ये जवाब नहीं दे सकते, और ना प्रलय तक इनके पास जवाब है, मैं आ रहा हूं। तो जब जोड़ों जोड़ों के साथ डबल डबल एक लड़का एक लड़की इन जोड़ों के साथ वो संतान जनी, तो पहला वाला जो लड़का है दूसरे नंबर पे जो लड़का और लड़की दोनों जनी, तो दूसरे नंबर पे लड़की के साथ उन्होंने शादी किया, तो भाई बहन में शादी हुई। और ये बाइबल भी मान रहा है, कुरान भी मान रहा है इस बात को। तो भाई बहन में शादी होना यह वैदिक सिद्धांत और वैदिक मर्यादा के विपरीत है। वैदिक मर्यादा में गोत्र बचाने की भी बातें हैं, कई बार आप लोग भी सुनते हैं हरियाणा में बड़े झगड़े होते हैं इस बातों को लेकर के, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इन बातों को लेकर के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बंगाल वालों को और जानकारी दे रहा हूँ कि अपने गांव का ही कोई लड़का अपने गांव के किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये एक बहुत विचित्र बात है। ये जब तक मैं बंगाल में रहा मैं तो नहीं जानता था ये ऐसी बात है, जब मैं चला तो तब मुझे पता लगा उस सच्चाई का इस तरीके। अब यहाँ भाई बहन में शादी होना, आप बताइए कि इस्लाम और ईसाइयत को छोड़ करके दुनिया में मानव समाज, मानव कहलाने वाले कौन ऐसी समाज हैं जो भाई बहन में शादी कराएंगे? तो भाई बहन में शादी होना ये कैसे संभव हुआ? चार, हमारे यहां इन सब बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यही कारण बना कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने असंख्य जीव बनाए, और उन असंख्यों में उदाहरण और मिसाल दिया है ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के अंदर में, कि जैसा आसमान में सितारे, जो आसमान में सितारे असंख्य हैं, उन सितारों को गिना जाना संभव नहीं। अहो रात प्राणी विदह दुष्वशा विषतो वशी, जो हम संध्या के मंत्र में भी बोलते हैं, ऋषि दयानंद ने उसी मंत्र को ही कोट किया, ये ऋग्वेद के मंत्र है, तो इसी मंत्र को ही ऋषि ने कोट किया है कि वो अहोरात्रि क्या है। ये अहोरात्रि समझने के लिए ना तो इस्लाम वालों के पास भेजा है ना बाइबल वालों के पास भेजा है कि अहोरात्रि शब्द को ही समझ ले। अहोरात्रि शब्द को समझने के लिए संस्कृत का जानना बहुत जरूरी है, और संस्कृत को ये जानते नहीं, जो संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है, मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन यहां पर क्या मैं बताना चाहता हूं वो देखे, अहोरात्रि इस पद में बहुवचन से असंख्य, देखिए अहोरात्रि शब्द में ही बहुवचन में आया, और बहुवचन शब्द के माने असंख्य के होते हैं। दिन और रात जोड़े जोड़े बनाए, दिन और रात यानी देखिए यहां भी जोड़ा ही है, ये रात है और दिन है, अल्टरनेट जो है ये जोड़ा है, अल्टरनेट को ही जोड़ा कहा गया है, जोड़ा बताया गया है, क्योंकि रात और दिन ये जोड़े जोड़े बताए। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्म अहोरात्र होते हैं। अब इन अहोरात्र को मैं पहले बता चुका हूं जो बहुवचन में आया है, तो बहुवचन में आने के लिए वहां पर एक वचन का प्रयोग होना संभव ही नहीं है। एक का होना, एक का जन्म लेना, एक का बनना, एक का पैदा होना संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि एक एक ब्रह्म अहोरात्र में असंख्य लघु दिन रात बनते हैं, यह प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार से सर्वत्र सृष्टि में जोड़े होते हैं, यानी सृष्टि के अंदर में सर्वत्र जोड़े होते हैं, बेजोड़ कोई नहीं होता,
बिना जोड़ वाला होना संभव ही नहीं है कि कई अरब योजन की विस्तृत परिधि वाले हिरण्यगर्भ, देखिए इसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, हिरण्यगर्भ में करोड़ों वर्षों में द्यावा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। द्यावा पृथ्वी से उत्पन्न नर नारी कृत युग प्रमाण में दीर्घ काय दीर्घ आयु और सौ सौ साल के उत्पन्न होते हैं। हमें वृक्ष वनस्पति 30 लाख, कृमि योनि 11 लाख, जलचर नवचर आदि आदि जो इस तरीके के ये बताए गए हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन योनि में कैसे कैसे आए। का गर्भ जोड़ा होता है वह अनेक युवा जोड़े उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। जैसे हाथी का गर्भ 1.5 वर्ष और ऊंट का 15 मास, घोड़े का 1 वर्ष, गाय का 9 मास का होता है। जिसका जितना शरीर बड़ा होगा उसका उतना गर्भ और गर्भकाल का समय बड़ा होगा, उतनी ही उसकी आयु बड़ी होगी। जिसका जितना शरीर छोटा होगा उसका उतना ही गर्भाशय और गर्भपिंड छोटा होता है और इस और उसकी अपनी आयु छोटी होती है। जैसे बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मयूर, मुर्गी, मछली, चींटी आदि। अगर मैं यही सवाल इस्लाम वालों से करूं कि चलो मनुष्य के लिए आपने एक मनुष्य को बना दिया और ये या जोड़ों को साथ बना दिया, लेकिन पशु पक्षियों को परमात्मा नहीं, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, परमात्मा नहीं, अल्लाह ने कैसे बनाया? पशु पक्षियों को अल्लाह ने कैसे बनाया? तो वहां पर आप कुरान से, न हदीस से, न तवारीख से, न सुल्लम से, न मंतक से, यानी इस्लाम की जितनी भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, कहीं से भी ये मिलना मुश्किल है, कहीं से भी ये नहीं पा सकते जिसका मैं ये भेद बता रहा हूँ। देखिए, गाय कभी बछड़ा कभी बछड़ी उत्पन्न करती है, ये गाय के लिए भी कभी बछड़ा और बछड़ी उत्पन्न करती है। बकरी एक साथ कई बच्चा देती है, एक नर एक मादा, और कुत्ती 4 बच्चे देती है, उसमें नर और मादा होते हैं। इसी प्रकार बिल्ली, चूहा आदि के भी बच्चे होते हैं। कबूतरी 2 अंडे देती है, एक नर और एक मादा। मुर्गी अनेक अंडा देती है जिसमें से अनेक नर और अनेक मादा। ये प्रत्यक्ष सृष्टि का परोक्ष सृष्टि का प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों सृष्टि के लिए इन सब बातों के लिए ये बताया है। जैसा प्रकृति, पृथ्वी तो सूर्य, भूमि माता, सूर्य पिता। अब भूमि को माता क्यों कहा गया? कि भूमि से हम उत्पन्न हुए हैं, तो भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमि को माता कहा गया है। और सूर्य के किरण अगर ना पड़े तो उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो सृष्टि में कुछ सृष्टि ऐसी है जो मैथुनी है और कुछ अमैथुनी है। और सृष्टि कुछ अंडे से पैदा होते हैं, कुछ पिंड से पैदा होते हैं गर्भ से, और कुछ स्वेट से यानी पसीने से भी पैदा हो जाते हैं। इन चीजों को ये लोग नहीं जानते हैं। तो भूमि माता को, भूमि को माता इसलिए कहा गया है कि माँ के गर्भ से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो भूमि इसीलिए माँ है और सूर्य को पिता इसलिए कहा गया है कि सूर्य की किरणें अगर ना पड़े तो भूमि अकेली जन्म नहीं दे सकती है। इसीलिए यहाँ ये जोड़ा बताया गया है कि जैसा नारी और नर, ब्रह्मरात्रि ब्रह्म दिवस, रात और दिन, शरीर आत्मा, गाय बैल, घोड़ा घोड़ी इत्यादि इत्यादि है, हाथी हथनी, मोरनी मोर, कछुआ कछुवी, सर्पणी सर्प, पिपली वृक्ष पीपल वृक्ष, बटी और बट, ये प्रकृति परम पुरुष का सूक्ष्मतम ये जोड़ा है। प्रकृति से परम पुरुष सृष्टा सुंदरतम है, यह सुंदर, सुंदरतम और सुंदरतर, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है।
तो जो परमात्मा है, जो सृष्टा है, वो सुंदरतर है। प्रकृति सदा सुहागनी है क्योंकि सृष्टा नित्य है। इस जोड़े में एक जड़ है, दूसरा चेतन है। यानी जड़ और चेतन, ये उन जोड़ों में, हर एक जोड़ों में ये इस प्रकार से आए हुए हैं। पृथ्वी और सूर्य बृहत्तम जोड़ा है, ये दोनों जड़ हैं। इनमें से जो क्रिया अथवा घटनाएं होती हैं, वह सृष्टा की संविधान से होता है। भूमि और सूर्य की आयु 432 करोड़ वर्ष की है। पृथ्वी से सूर्य बड़ा है और सुंदरतर है। देखिए, वही सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम जो बताया, तो यहाँ पृथ्वी से सूर्य के लिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से बड़ा है और सुंदरतर है। लोक में नर नारी का जोड़ा होता है, इनकी लगभग 100 वर्ष की आयु होती है। इन दोनों के शरीर चेतन है। नारी से नर सुंदर, बड़ा, बलवान, रक्षक और पोषक होता है। ब्रह्म दिवस और ब्रह्म रात्रि का भी ये जोड़ा है। कालबाजी महत्तम है। इन ब्रह्म दिवस और ब्रह्म रात्रि का काल 864 करोड़ वर्ष का होता है। इसी का लघुतम जोड़ा दिन रात 24 घंटे के होते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि रात्रि सुंदरतर है और दिन सुंदरतर और ऊपर मैं लिख आया हूँ या बता आया हूँ कि वो सृष्टा है, वो सुंदरतम है। कि पशु मानव आदि में सर्वत्र सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम जोड़े होते हैं। शरीर सुंदर है किंतु शरीर से सुंदरतम आत्मा है। आत्मा से अस्तित्व में ही शरीर का सौंदर्य है। अतः सृष्टि के सर्वत्र जोड़ों में अथवा द्वंद्वात्मक तत्वों में जो सुंदरता है, वह चेतनतम, सुंदरतम, श्रेष्ठतम के अस्तित्व के कारण ही है। देखिए, इसके मूल कारण, इसके जड़ में एक सब परमपिता परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा के द्वारा परमात्मा के ये निमित्त है, परमात्मा के निर्मित हैं, इसीलिए इनके सब का कारण परमात्मा बताया। सुंदर आत्मा से परमात्मा अधिक सूक्ष्मतम, चेतनतम, सुंदरतम आत्मा स्वरूप से एक चेतन तत्व है। नर नारी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नर नारी में के अंतर है। नर नारियों में सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है। गर्भाशय महिलाओं में है, पुरुषों में गर्भाशय नहीं है। शरीर के गठन में कुछ थोड़ा अंतर है। सृष्टि के जोड़ों में बनती है। हमने पूर्व चार प्रकार के जोड़ों की चर्चा की है, परम पुरुष, प्रकृति, देव और पृथ्वी, नर और नारी, आत्मा और शरीर। इन जोड़ों में परम पुरुष, सूर्य और नर, इन तीनों में उत्पादक जनक गुण में समानता है। पहले पुरुष जानता है, इसलिए उसको जनक कहते हैं। बाद में स्त्री गर्भवती प्रसूता होकर जननी कहलाती है। अब जननी यहाँ किसको कहा गया? देखिए, जनने वाली को, जो गर्भवती होती है, प्रसूता होती है, तब वो जननी कहलाती है। जनिता, सविता, प्रसूता, ये सृष्टा के नाम है। दूर में पिता जनिता, नविरस्त बंधुर में माता पृथ्वी महियाम, ये अथर्वेद के मंत्र हैं। प्रकृति, भूमि, नारी, इन तीनों में जननी गुण में समानता है। सृष्टा के संविधान में प्रकृति जननी विविध ब्रह्मांडों को निर्माण करती है। देवलोक के द्वारा पृथ्वी गर्भवती होकर विविध प्रकार के पिंडों को उत्पन्न करती है, इसलिए पृथ्वी माता, भूमि माता कहती है। लोक में प्रत्यक्ष से के पुरुष के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है। सृष्टि में हम देखते हैं केवल पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही नारी केवल संतान उत्पन्न कर सकती है। अर्थात नर और नारी
दोनों के मिलकर ही प्रजा उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाइबल और कुरान ने तो एक से ही उत्पन्न मान लिया है। मरियम कुमारी अवस्था में संतान को जनी, बाइबल भी मान रहा है, कुरान भी मान रहा है, पुराण वालों ने भी मान लिया है। कुंती गर्भवती ऐसे बिना पुरुष से मिली हो गई, और वहां पर बताया जाता है कि सूर्य के किरण से हुई। तो यहाँ देखिए, पक्षपात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है वेद में कि ये मेरे पास है तो सही है और औरों के पास है तो गलत है, जैसा कि मुशफिक सुल्तान ने किया। मुशफिक सुल्तान ने कहा कि हनुमान का सूरज का निकल जाना ये गलत है, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब का चांद का टुकड़ा होना वो सही है। भाई गलत तो गलत ही होगा, चाहे हमारे पास हो किसी और के पास हो, लेकिन अपना गलती को स्वीकार नहीं किया है कि सृष्टि में हम ये देखते हैं कि दोनों मिलकर के ही प्रजा की उत्पन्न होती है। कोई भी अकेला पुरुष कलाकार संतान को जन्म नहीं दे सके। सनो बंदुर जनिता सविदाता, ये हमारा परमेश्वर जगत का जनक विधाता और बंधु है। तत् सवितुर वरिण्यम विश्वानि दुरिता, वह सविता उत्पादक जगत का ऐश्वर्य प्रदाता देव है। बृहस्पति परसुता, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। परमेश्वर और सूर्य के लिए बृहस्पति प्रसूता पद का योग है। दोष पिता पृथ्वी माता, माता भूमि, पुत्र अहम पृथ्व्यः, पर्जन्य पिता सा ऊना पिपलु। जड़ वस्तु का निर्माण, कोई भी पुरुष कलाकारी करे के जड़ वस्तु का निर्माण करें तब भी उत्पादन वस्तु की आवश्यकता होती ही है। इसी प्रकार सृष्टा सर्व सामर्थ्यवान और सर्वज्ञ होने पर भी प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं बना सकता। केवल प्रकृति ही सृष्टि को नहीं बना सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है। जड़ प्रकृति में गति और चेष्टा करने का सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। कुछ भौतिकवादी प्रकृति द्वारा सृष्टि का निर्माण अपने आप मानते हैं, यह उनका सर्वथा भ्रम है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। आत्मा के बिना सांस रूपी पिंड में गति यानी चेष्टा और ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सब कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। जल वायु और अग्नि के प्रभाव के कारण शव सड़ता है, गलता है तथा जलता भी है। ऐसे ही अद्वैतवादी केवल ब्रह्म से सृष्टि मानते हैं, वो भी उनका भ्रम है। जैसा कि कुरान वालों ने भी माना कि अल्लाह जो चाहता है अल्लाह करता है, ये धारणाएं गलत है। सृष्टिकर्ता सृष्टि के आदि में ही प्रति मनमंत्र पृथ्वी के गर्भ में जीवों से संयुक्त नर नारी के पिंड पृथक पृथक बनाता है। जैसे सृष्टि में छोटे बड़े पिंड हैं, इसी प्रकार के उसने छोटे बड़े पिंड बनाए थे। पुरुषोत्तम सृष्टा ब्रह्मांड के जिस प्रकार के कर्मों को करता है, जीवात्मा भी उसी प्रकार अपने अपने शरीर के पिंडों को बनाते हैं। परमात्मा जड़ चेतन सृष्टि बनाता है, जीव भी जड़ चेतन सृष्टि बनाता है। सृष्टा महत्तम एक तत्व है, वह सत चित आनंद स्वरूप है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, अपरिवर्तनशील नित्य सृष्टि का सृष्टा और दृष्टा है। दिव्यलोक का सूर्य भी बृहत्तम जड़ सुंदरतम और चुंबकीय अग्नि का विशाल महापिंड है। उसमें सृष्टा के संयोग से क्रियाएं होती हैं, उसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है। नर लघु पिंड भौतिक शरीर युक्त आत्मा से संयुक्त है। लघु पिंड के जन्म जीवन और मृत्यु होते हैं। जीवात्मा के इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान और प्रयत्न ये गुण है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आर्य समाज के लोग जो शाकाहारी बोलते हैं, शाक सब्जी खाते हैं, तो उसमें भी प्राण है। देखिए यहाँ पर जीव किसको कहा गया है उसका परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से समझिए कि जीवात्मा की इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान और प्रयत्न, क्या पेड़ पौधों में प्रयत्न करने की क्षमता है? इसलिए
इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति में सत्व रज तम इन तीनों तत्वों का संज्ञान है। यह अति सूक्ष्म, अति विस्तृत और जड़ है। प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है तथा नित्य परिवर्तनशील है। पृथ्वी ब्रह्मांड के ग्रहों में से एक मध्य स्थानीय ग्रह है। सृष्टा के संयोग से ही पृथ्वी में अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न क्रियाएं निरंतर संपन्न होती रहती हैं। ऋतु स्नाता, गर्भधारण, गर्भवती और प्रसूता आदि गुणों में वह विशेष है। नारी अति लघु पिंड युक्त भौतिक शरीर आत्मा से संयुक्त चेतन पिंड है और वह आत्मा के गुणों से संपन्न है। इसमें भी ऋतु स्नाता, गर्भधारण, गर्भवती और प्रसूता आदि गुण विद्यमान है। जन्म जीवन और मृत्यु लघु पिंड का होता है। प्रकृति विकृति और नारी में बहुत बड़ा अंतर है, यही विषमता है। सृष्टि लोक में कि एक प्रकृति का सदुपयोग, दूसरा जीवों के लिए कर्मयोग क्षेत्र का निर्माण होना जिससे जीव नानाविध कर्म के फलों को प्राप्त करता है और विशेष कर्म करके मानव जीवन को सफल करता है। तीसरा ईश्वर का प्रारंभ न्याय, ईश्वर का सामर्थ्य, न्याय व्यवस्था और प्रकृति प्रसिद्ध होता है। वेद दर्शनों में सृष्टि रचना के विषय प्रकार विविध प्रकार के कारणों का निर्देश है। विशेषकर पुरुष सूक्त आदिति सूक्त, भाव वृत्तम सूक्त, काल सूक्त और प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी स्तर चित्त दर्शन ग्रंथों में विविध कारणों पर प्रकाश डाला है। सृष्टि कर्ता का परिचय वेदांत दर्शन। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहूंगा कि ये किन कौन कौन विषय कहाँ कहाँ हम पाएंगे, जो हमारा दर्शन शास्त्र है उन कौन किन किन दर्शनों में क्या क्या विषय दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम पहला नंबर पे आया सृष्टि कर्ता का परिचय कहाँ है कि वेदांत दर्शन में। तत्व का सम्मिश्रण अनुपात कहाँ है, सांख्य दर्शन में। बुद्धि ज्ञान विज्ञान पूर्वक रचना कहाँ है, योग दर्शन में। साधनों का परिचय, जीव का परिचय न्याय दर्शन में। समय और काल की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में। कर्म का महत्व और कर्म की विवेचना मीमांसक दर्शन में। कर्म वैचित्र सृष्टि वैचित्रम यानी ये सांख्य दर्शन में आया है। कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विविधता है। परम पुरुष और पुरुष के विविध कर्म है, अतः सृष्टि की में विचित्रता है। जड़ चेतना चेतनाभ्याम सृष्टि ही ये सांख्य दर्शन में आया है। जड़ और चेतन के संसर्ग से सृष्टि होती है। मिथुनाभ्याम सृष्टि, मिथुन सृष्टि। देखिए सृष्टि के ये सब कर्म बताए जाते हैं। मिथुन अर्थात जोड़ों के द्वारा सृष्टि होती है। पहला नंबर प्रकृति, दूसरा नंबर महान बुद्धि, तीसरा नंबर अहंकार, चौथा नंबर शब्द, पांचवा नंबर स्पर्श, छठा नंबर रूप, सातवां नंबर रस, आठवां नंबर गंध। ये प्रकृति विकृति है। पहला नंबर कर्ण, दूसरा नंबर त्वचा, तीसरा नंबर नेत्र, चौथा नंबर जिह्वा, पांचवा नंबर नासिका, छठा नंबर हस्त, सातवां नंबर पाद, आठवां नंबर वाणी, नौवां नंबर लिंग, दसवां नंबर गुदा, ग्यारहवां नंबर वह इंद्रिय मन में मन। ये ग्यारह इंद्रियां हैं। अभी इन इंद्रियों को तो दूसरे संप्रदाय वालों ने जाना नहीं कि इंद्रिय होता क्या है। अब यहाँ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांच महाभूत हैं। उपर्युक्त तो ये सब ब्रह्मांड बनने के 24 पदार्थ हैं। देखिए ब्रह्मांड बनने के 24 पदार्थ हैं। अब इनमें से इनके बनने में अनुमानतः 142 करोड़
56 लाख वर्ष लगते हैं महादंड बनकर और ये ग्रह उपग्रह उत्पन्न होकर इनमें तेजस्विता दृढ़ता तथा उनके नियमित गणित मान होने में 73 करोड़ 44 लाख वर्ष लगते हैं। इस प्रकार जड़ सृष्टि बनने में 216 करोड़ वर्ष लगते हैं। सृष्टि प्रकरण उपर्युक्त 6 दर्शनों में सृष्टि विषय ज्ञान को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। सृष्टि कर्ता जगत का निमित्त कारण है जिसके बिना कोई कार्य नहीं होता। यहाँ अच्छे ढंग से समझ लें, ये जयेश पटेल ने भी एक बार मेरे से सवाल किया और वो भी YouTube में लगा हुआ है, जरूर आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ सृष्टि कर्ता जगत का निमित्त कारण जिसके बिना कोई कार्य नहीं होता, और दूसरा नंबर प्रकृति जगत का उपादान कारण है, इसके बिना कोई वस्तु ना बने और वह उत्पादन न कर सकता है, वो उपादान कारण कहता है। तीसरा नंबर में जीव और काल सृष्टि के साधारण कारण है, लोक में विविध प्रकार के कारणों से ही विविध प्रकार के कार्य संपादन होते हैं, जैसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, जो कि इस प्रकार है। जो इसको ध्यान से जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा, तभी आप पाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पुस्तक के भाग को कि किस तरीके से ये क्रम बनाया गया है। इन क्रमों को इन पुस्तक के माध्यम से ही, जिस पुस्तक का नाम है वैदिक सृष्टि विज्ञान, ये वैदिक सृष्टि विज्ञान क्या है, कैसा है, इस सृष्टि विज्ञान को जानना पड़ेगा। तो आगे यहाँ बताया गया है कि यह विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में पृथक पृथक करता है, अन्य वस्तुओं के कारण आदि भी विभिन्न है। एक निर्माता के वस्तु को दूसरा निर्माता नहीं बना सकता जब तक उसे तदर्थ विद्या का ज्ञान प्राप्त न हो। देखिए, एक मिस्त्री के बनाए हुए सामान दूसरा मिस्त्री नहीं बन सकता, नहीं बना सकता, वो सामान में अंतर आ जाएंगे। लेकिन मैं जिस परमात्मा की चर्चा कर रहा हूँ, इन परमात्मा की चर्चा में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ दुनिया के मानव समाज, मानव कहलाने वालों को, कि हमारे वह परमपिता परमात्मा इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े सृष्टा हैं, इतने बड़े विश्वकर्मा हैं कि धरती पर इतने मानव हैं, किंतु एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल नहीं खाता। इसीलिए अंगूठा जो छाप लिया जाता है, अंगूठा का जो निशानी ली जाती है, वो एक के अंगूठा के साथ दूसरे का अंगूठा मेल नहीं खाएगा। इसलिए इस अंगूठा को गवाही का अंगूठा कहा गया, अंगुष्ठ कहा गया है, ये गवाही देती है। लेकिन इस्लाम तो गवाही इस उंगली को माना है, तर्जनी को माना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शहादत की उंगली है, ये तर्जनी को मानते हैं। अब बताइए, तर्जनी से गवाही देना या दिलवाना संभव होगा क्या? कोई गवाही देता है, गवाही दिलवाता है, तो अगर वो सिग्नेचर नहीं करना जानता तो उसको अंगूठा लगाना पड़ता है। अंगूठा कई बार सरकारी कागज पत्र में देखते हैं कि जिसको सिग्नेचर भी करना पड़ता है और अंगूठा भी लगाना पड़ता है। तो गवाही देने वाली उंगली ये है, लेकिन इस्लाम इसको मानता है। जो नमाज में अत्ताहिया तो पढ़ते समय आधा अत्ताहिया तो पढ़ जाए तो ये गवाही देने के लिए इस उंगली को उठाओ। ये कि सर्वशक्तिमान सृष्टि कर्ता की रचना विशाल और अनंत है, सृष्टि कर्ता के कार्य मानव नहीं कर सकता, और मानव द्वारा किए कार्य जाने वाले भौतिकीय कार्य सृष्टि कर्ता नहीं करता, क्योंकि उसके मर्यादा के विपरीत है। अपनी अपनी पृथक पृथक योग्यता तथा मर्यादा है कि जो सृष्टि के अनादि कारण जीव ब्रह्म प्रकृति आदि को जानता है, वह वेद विद्या के रहस्य के द्वारा ही महान ज्ञान को प्राप्त करता है। इस वेद विद्या के रहस्य के बिना यह सृष्टि का जानना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए सृष्टि गणितमय है। सृष्टि कैसा गणितमय है? देखें कि सृष्टि में ग्रह उपग्रह इत्यादि गणित में बनाए गए हैं, गणित से बनाए गए हैं। इन ग्रह उपग्रहों के आकार, व्यास, परिधि, भार, गति, विस्तार, वो पूरी गणित के ही नियम है। गणितज्ञ
सृष्टा ने सृष्टि की संपूर्ण रचना गणित से अनुबद्ध की हुई है। बिना गणित के कोई भी कार्य नहीं होता। सूर्य का उदय अस्त, चंद्रोदय अस्त, चंद्र का घटना बढ़ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समुद्र का ज्वार भाटा, ऋतुओं का परिवर्तन, संपूर्ण काल विधान, काल विभाग, सृष्टि प्रलय, जीवों का बंध, मोक्ष, इनकी व्यवस्था गणित से ही होती है। अतः काल, वर्ष, युग, चतुर्युग, मन्वंतर, महादिवस, महारात्रि तथा परांत काल की गणना गणित से ही होती है। गणित का प्रारंभ शून्य से ही होता है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिछले दिन 2010 में जब हॉलैंड के अंदर में विश्व सम्मेलन में गए हुए थे, वहाँ आर्य महासम्मेलन था, और डॉक्टर सुभाष काक जो अमेरिका से आए हुए थे, डॉक्टर सुभाष काक जब वक्तव्य दे रहे थे तो उनको मैं बहुत ढंग से, बहुत कलाकारी के साथ उनको मैं निरुत्तर किया था। और वहां पर हमारे कार्यकर्ता अधिकारी तो ये बताए गए थे कि जिनको जो पूछना हो पूछे। अब जब प्रश्नों की फुलझड़ी मैंने लगा दी तो माइक वहां से उन्होंने हटा दिया है। तो फिर भी मैं उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप गिनती कहां से शुरू करते हैं। तो उन्होंने गिनती शुरू की एक से। उन्होंने बोला एक। फौरन मैंने कहा पौने एक। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अभी तो एक हुआ ही नहीं है, अभी तो पौने एक है। और ताली की गड़गड़ाहट उस हॉलैंड के अंदर में जो विश्व सम्मेलन में हुआ। लेकिन आर्य समाजी तो हमसे खुंदक खाए हुए हैं। आर्य समाजी हमारा प्रचार करना है या करवाना नहीं चाहते हैं। खैर, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, दुनिया में जानती है। मैं सत्य के लिए काम करता हूँ। मैं किसी के पिछलग्गू नहीं हूँ। किसी के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए काम करता हूँ। ऋषि ऋण से उऋण होने का मैं प्रयास करता हूँ। और हमारी वैदिक मान्यता भी देखिए यहाँ पर, कि यहाँ पर सृष्टि की वो जो गिनती हमारी होती है, तो गणित का क्रम कहाँ से शुरू हुआ है? तो बोला शून्य से ही शुरू होता है। कि वेद संगीता शास्त्र, अर्थ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सब कुछ गणित पर आधारित है। गणित से बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे लोक के कार्य हो, चाहे परलोक के कार्य हो, सब गणित से ही सिद्ध होता है। गणित और काल की गणना शून्य बिंदु से ही प्रारंभ होती है। शून्य काल समय रात्रि के प्रारंभ होते हैं। ब्रह्मांड और पिंड की रचना शून्य बिंदु मध्य रात्रि से ही होती है। सृष्टि में मनुष्य और एक का बड़ा महत्व है कि एक के पूर्व शून्य का महत्व कम हो जाता है। यथा अगर आप बाएं शून्य लगाएंगे तो बाएं शून्य का कोई भी महत्व नहीं है, एक के पश्चात शून्य का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा एक के बाद अगर आप शून्य लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ आगे शून्य लगने से एक 10 गुना हो जाता है। सृष्टा एक है और प्रकृति शून्य है। नारी नर के बाएं रहने पर प्रजापति होती है। नर पूर्ण वो प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति सृष्टा के साथ संयुक्त होकर पूर्ण होता है। ये अथर्वेद का ही ये विवरण है। तो कहने का तात्पर्य देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आए तो वो एक वचन में थे। माता सीता जब उनके साथ आई तो द्विवचन में हुए। तो जब द्विवचन में होंगे तो बहुवचन में भी होना संभव है। असंभव हुआ जब उनके संतान आए। तो सृष्टि के यही सारा क्रम यहाँ पर इस तरीके से ये बताया गया है कि यहाँ जो अंक के छंद हैं वो इस प्रकार के हैं। एका एका इकाई, दशम दशम, दहाई है, शतम शतम, सैकड़ा, सहस्रम सहस्रम, हजार, आयुतम दश दश सहस्रम, दस हजार, न्यूतम लक्षः लाख, प्रयुतम दस लक्षः दस लाख, प्रयुतम कोटिः करोड़। ये वैदिक गणित नाम, वैदिक नाम है, संस्कृत में और हिंदी में दोनों में बताया गया है।
न्यूवदम वृंद अरव दश वृंदम खरव दश अरव समुद्र दश समुद्र मध्य दश मध्य अंत्य महाअंत्य पदार्थ महापदार्थ। इस प्रकार ये सब दिए हुए हैं। एक से लेकर नौ अंकों तक एक समाया हुआ है अर्थात व्याप्त है। अंक जोड़ गुना बीज गणित रेखा बीजांक रेखांक तथा विषमांकों में रूपों में व्याप्त है। जो शून्य और एक से नौ अंक भी संपूर्ण गणित विद्या में व्याप्त है। ऐसे ही एक सृष्टा संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। ये सृष्टि की रचनाएं सारी ये सब बताए गए हैं कि किस प्रकार से सृष्टि में सर्वत्र सुख है। सृष्टि को सृष्टा सुख स्वरूप है। सृष्टि सृष्टा ने जीवों को उपकरणार्थ या जीवों के उपकारार्थ सुखदायिनी सृष्टा बनाई है। सृष्टा और जीव में पिता और पुत्र के समान संबंध है। लेकिन ये सब तो माना नहीं, इस्लाम ने नहीं माना, वो गिनती भी नहीं माना। वो गिनती कैसे गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000। ये अबजद कलमा का गिनती है। अब ये गिनती है या गड़बड़झाला है ये लोग समझे जाने इसको। तो जैसे लोक में बुद्धिमान समर्थ पिता अपने संतानों के लिए आहार वस्त्र आवास आदि और सकल आवश्यक पदार्थों की सुंदर सुखदायक व्यवस्था करता है, उसी प्रकार सृष्टा भी अपने जीवों के लिए सारी व्यवस्था करता है। कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था, क्योंकि हम धरती पर जब नहीं आए उससे पहले हमारी ये व्यवस्था थी। अगर हमारे आने के बाद ही परमात्मा व्यवस्था करते तो परमात्मा पर दोष लगता, हम भी नहीं जी पाते। प्रातः काल उठते ही प्रत्येक मनुष्य को अपने नित्य कर्म में सुख मिलता है। मनुष्य अपने अज्ञान वश या मूर्खों के संगो दोष से या कर्म फल के अधीन दुख पाता है, किंतु सृष्टि में सुख दुख नहीं है, सुख ही सुख है। तभी तो जीव सृष्टि में आ सकता है और पुरुषार्थ करके अपना चरम सुख को भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ सृष्टि सकाल है, काल विभाग परिचय, ये प्रातः कितने का होता है, मध्याह्न कितने का होता है, समय कितने का होता है, रात्रि कितने का होता है, उषा काल कितने का होता है, पक्ष कितने का होता है, कृष्ण पक्ष कितने का होता है, शुक्ल पक्ष कितने का होता है, पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा कितने दिनों को होते हैं, अमावस्या क्या है, कितने दिनों को होते हैं, अष्टमी क्या है, ऋतु क्या है, मास क्या है, ये सब तो इस्लाम या ईसाइयत जानता ही नहीं है इन सब बातों को। देखिए यहाँ मासों के विवरण और ऋतु के विवरण यह यजुर्वेद में ही वर्णन है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्चिश पौष हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। यह आयन दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन। ये इस्लाम तो जानता ही नहीं है इसको, आयन क्या है, किसको बोलते हैं है? प्रत्येक आयन की अवधि 6 मास की होती है। उत्तरायण में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर सूर्य नित्य प्रति उगता है। कि मतलब ये मत समझना कि कोई पौधा बोया गया है जो उग रहा है। यहाँ हम सूर्य निकलता भी नहीं है, ना सूर्य निकलता है ना डूबता है, क्योंकि हम जिस समय निकलते हुए देखते हैं अमेरिका उस समय डूबता हुआ देख रहा है, हम जिस समय डूबता हुआ देखते हैं अमेरिका उस समय निकलते हुए देखता है, इसीलिए डूबने निकलने का सवाल पैदा नहीं होता है। ये दक्षिणायन क्या वर्ष में 360 दिन, 2 आयन, 3 काल,
छह ऋतुएं और 12 मास होते हैं। वर्ष का प्रारंभ दिन गुण आदि पर्व होता है। पृथ्वी वार्षिक चक्र पूरा करती है, वह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है और वर्ष की गणना से ही युगी की गणना होती है। लघु वर्ष 4 वर्ष का होता है और सुदीर्घ काल की अवरात्रि का नाम एक युग है। प्रधान युग 4 प्रकार के होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है के 4 युग में पहला नंबर 17,28,000 का, दूसरा नंबर पे 12,96,000 का, तीसरा नंबर पे 86,04,000 का और चौथा नंबर पे 83,20,000 का, 83,02,000 का है। ये मन्वंतर 71 चतुर्युगी 30,76,20,000 वर्ष की अवधि होती है। प्रति मन्वंतर के आदि का स्वभाव नया और अंत का स्वभाव पुराना होता है। मन्वंतर में विविध प्रकार के पिंडों का जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर भी संधि काल काल क्या है? काल एक द्रव्य है। काल शब्द से निष्पत्ति, फल, गतौ, संख्याएने च धातु से हुई है। प्रत्येक कार्य में निमित्त कारण काल होने से उसका वर्णन वेद आदि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। काल नित्य है, अतः पहले उसकी महिमा का वर्णन अथर्ववेद के अनुसार किया गया है। सृष्टि काल है, वेद भी कालमय है। इसके स्वरों को ह्रस, दीर्घ और पुलुत संज्ञाएं हैं तथा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञाएं भी होती हैं। ये सब गणितमय और कालमय है। लघु काल अवयव में वेद का वर्णन, सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषा दधि, ये यजुर्वेद मंत्र है के विशेष प्रकाशमान पूर्ण विभु ब्रह्म से सब निमेषा नेत्र मिलन आँख का खोलना आदि लक्षण वाले कला कष्ट आदि काल अवयव उत्पन्न होते हैं। लघु अहोरात्रि के विषय में भी ऋग्वेद में वर्णन आता है, जैसे बाघ वस्तु हो त्रिशद धाम विराजति। इस प्रकार से सब सृष्टि नियम को यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि कलयुग कितने के होते हैं, द्वापर कितने के होते हैं और त्रेता कितने के होते हैं, सत्य कितने के होते हैं। ये सब समान व्यवस्था शून्य बिंदु से ही ये शुरू होता है और सृष्टि में जो सृष्टि के एक साथ अनेक का होना, ये एक दो जगह नहीं, अनेक जगह प्रमाणीय है। जो अनादि काल में निरंतर हो रहा है, यज्ञ में यजमान पति पत्नी होते हैं, यज्ञ के साधन यजकुंड, अग्नि, समिधा, घृत आदि आवश्यक होते हैं। सृष्टि महायज्ञ का महाऋतु यजमान विष्णु है और यजमान पत्नी आदिति स्वधा प्रकृति। आदित्य विष्णु तन पत्नी यजुर्वेद में आया है, विष्णु की पत्नी आदिति है। आदिति प्रकृति को कहते हैं। ये तात्विक सूक्ष्मतम सुंदरतम जोड़ा है जो प्रवाह रूप से अनादि है। सृष्टि महायज्ञ का महायजमान सर्वदा युवा जनिता उत्पादक जनक विविधा सनो बंदुर जनिता सविधाता
जो यजुर्वेद में आया है, यजमान पत्नी अदिति प्रकृति विनित सदा सुहागिन सुहागिन सृष्टि की जननी है। तो इस प्रकार से कृमि जलचर पक्षु पशु मानव विविध प्रकार के क्रमों से विविध प्रकार के सृष्टि की रचना हुई है या सृष्टि की रचना होती है। तो ये सृष्टि विज्ञान को जाने बिना ये बताना संभव नहीं है, इसीलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम के वेद ही अखिल विश्व के धर्म का मूल है, यही मनु महाराज की उक्ति है। तो यह सृष्टि विज्ञान यह सब वेद का ही विषय है और वेद में ही भली भांति इसको दर्शाया गया है। लेकिन इसमें जो तत्व मैं अब तक दिया या बताया कि उसमें जरूर आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सी भ्रांतियां लोगों में है कि जो लोग ये मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू घराने वाले भी, जन्म लेना कैसा संभव होगा भाई, एक महिला से 100 पुत्र का जन्म देना कैसा संभव होगा, ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। कितने दिनों में जनी होगी, क्या एक साथ कुत्ता बिल्ली जैसा दो दो चार चार दर्जन दर्जन जनी थी, ऐसा संभव ही नहीं है। ये मनुष्य में नहीं होता, ज्यादा ज्यादा दो होते हैं या ज्यादा तीन ही होते हैं। तो कितने बार जन्मने से तीन तीन संतान को अगर जन्म दी तो तीन तीन संतान के जन्म देने से कितने बार के जन्मने पर तब 100 पुत्र होंगे, अब पुत्रियां भी रही होंगी है, 100 तो केवल पुत्र बताए जाते हैं, पुत्रियां भी रही होंगी एक थी। तो खैर कहने का तात्पर्य यह है कि एक महिला से 100 पुत्र या 101 संतान का जन्म लेना या देना यह संभव नहीं है, उनको जवान होने में भी समय लगा होगा, गर्भ धारण करने में भी समय लगा होगा। तो ये सब बेतु की बातें हैं, ये काबिले कबूल नहीं है, ऐसा ही दिग्भ्रमित किया गया है मनुष्य समाज को वेद से हटाकर, यानी वेद से दूर करते हुए, वेद से अलग करते हुए। अगर वेद के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते होते मानव समाज, तो आज मानव समाज में ये विघटन या मानव समाज में ये बितंडा हम कहीं भी नहीं पाते, जो आज मानव को मानव ही देख करके डरने लगे हैं। पहले लोग पशु पक्षियों को देख करके डरते थे, आज मानव ही मानव को देखकर डर रहे हैं। ये क्या कारण हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्या इसी को मानव कहा जाता है? केवल इतना नहीं, कहां कहां देखेंगे, जहां बोलेंगे वहीं मैं परिवर्तन दिखा दूंगा। पहले लोग दुकान में जाते थे कि हमें घी दीजिए, दुकानदार से कहते थे कि हमें घी चाहिए, तो दुकानदार पूछते थे कितना चाहिए। और आज आप दुकान में जाएंगे घी दीजिए तो दुकानदार पूछेंगे कौन सा चाहिए। देखिए कितना अंतर आ गया है, पहले कहा जाता था कितना चाहिए, क्योंकि घी में उस समय भेजाल नाम की कोई चीज नहीं होती थी, दो नंबर वाला काम नहीं होता था, तो घी में भेजाल का होना संभव नहीं था। इसीलिए घी मांगते ही वो कितना चाहिए बताते कि कितना घी आपको दिया जाए। और आज आप घी मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पूछा जाता है आपको कौन सा घी चाहिए, यानी अब कौन सा हो गया, कितने प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार जब हम मानव ही इस काम को कर रहे हैं, मानव के द्वारा ही इस काम को किया जा रहा है, तो खुद अपने आप में हम सब लोगों को मिलकर के विचार करना है, क्या सही अर्थों में परमपिता परमात्मा के संतान होने का यही नतीजा है कि हम संतान उस परमात्मा के हैं जो परमात्मा बेऐब है, निर्दोष है, जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वयंत्रयामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है और पवित्र है, साथ साथ वो सृष्टि करता है। तो जब परमात्मा के हम संतान हैं, तो परमात्मा के किसी प्रकार की कोई भी अवगुण परमात्मा में नहीं है, और उसके संतान हो करके अगर ये अवगुणों से भरे हुए हों तो भला क्या हम उस पिता के पुत्र कहलाने के अधिकारी बनेंगे,
यह बहुत ही चिंतनीय विषय है, तो मैं बहुत संक्षेप में ही आप लोगों के सामने में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो लोग अनेक सृष्टि कैसे बने हैं वो भली भांति इस चीज को सुने। और आज तो मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, विपुल जी का भी मैं देखा कि किसी ने अनेक सृष्टि कैसे बने हैं, विपुल जी ने फेसबुक में लिखा है, तो ये सारा देख करके ही मैंने अपना समाधान देने का प्रयास किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।